की। चांस पे चांस पे चांस। बाप रे बाप, क्या चल रहे हैं? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी अपने होटल में है और अभी हम जाने वाले वाघा बॉर्डर। पहले उससे जाएंगे लंगर चखने क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो अभी जब हम जाएंगे वाघा बॉर्डर तो देखेंगे कैसा कुछ है। सुना है वहाँ पे रोज शाम को परेड होती है और इंडिया और पाकिस्तान का गेट ओपन होता है, तो चलिए चलते। तो गाइस अभी हम दोनों बैठे हैं लंगर चखने और चख के बाद में मिलते। तो गाइस अभी लंगर चख लिए तो अभी जाएंगे वाघा बॉर्डर। तो अभी देखते हैं ऑटो से कहाँ से जाएंगे, किससे जाएंगे। तो गाइस हमने ऑटो बुक किया है तो अभी ऑटो को तो आधा घंटा बाकी है। यहाँ पे बेंच पर बैठ चुके हैं तो अभी यहाँ पे आधा एक घंटा वेट करेंगे फिर चलेंगे वाघा बॉर्डर। और अपन ने ऑटो किया है बुक क्योंकि बस में यार नहीं होता सही से। बस को निकलने का एक्चुअली टाइम था तो हमने बोला ऑटो करते, ऑटो पहले पहुंचाएंगे और सामने सीट मिल जाएंगे। बस 4 बजे निकलती है तो इससे हमने सोचा ऑटो ही बेस्ट रहेगा। बस तो ओला का ऑटो था, हमने कर लिया तो निकलते हैं। और ऑटो से जाएंगे तो वहाँ पे पहले नंबर की सीट मिल जाएंगी या फ्रंट रो की। वो भी 50 50 50 50 50 50। चलो चलो ऑटो रिक्शा भैया भैया को बैठने भैया को बैठने को नहीं जम रहा है। यहाँ से 35 किलोमीटर है बॉर्डर और बॉर्डर तक भैया ऐसे ही रहेंगे। भैया को बैठने को नहीं जम रहा, मैं बैठ गए अच्छे तरह से और भैया देखो। गाइस अभी बाघा बॉर्डर आ चुकी है। तो गाइस आप पीछे देख सकते हो आर्मी पुलिस वाले हैं और पीछे बॉर्डर है, मतलब चेक पोस्ट है, बॉर्डर नहीं है। ये यहाँ पे कुछ बैरिगेट्स लगाए हुए हैं, मतलब चेकिंग टाइप का है। और बाप रे यहाँ पे बाउंड्री देखो कैसी लगाई वायर्स की। गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम कोई बॉर्डर पे जा रहा हूँ और वो भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो अंदर जाके देखेंगे कि कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है और मतलब मजा आएगा। और वहाँ पे रोज शाम को 5-6 बजे परेड भी होता है ऐसा सुना है। तो देखेंगे, मतलब यार डेली परेड होता है और 26 सितंबर 15 अगस्त को तो क्या ही होता होगा। अगर आप कभी वाघा बॉर्डर पे आए हो तो कमेंट करके बताना, वरना कोई भी बॉर्डर पे गए हो तो बताना। वहाँ पे झगड़े हो गए लगता है, झगड़े हो गए जान दो। अगर आप कोई भी बॉर्डर पे गए हो तो कमेंट करके बताना जरूर। ऐसा कुछ एंट्रेंस बॉस देखा जाए तो इस अंदर तो काफी मजा आने वाला है। तो अभी चलते स्पीड में चल रही क्योंकि आगे की सीट मिले, अभी देखते कहाँ की सीट मिलती है। तो काफी मजा आने वाला है। अभी हमने यहाँ पे एक बिस्लेरी ले ली क्योंकि अंदर पानी भी लग सकता है। कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया लग रहा है बॉस। गाइस पब्लिक है या मजाक है? ये देखो आगे चेकिंग बोर्ड पे, ये देखो गाइस जैसे कुछ चेकिंग होती है यहाँ पे। वाह बॉस अच्छी सिक्योरिटी है। वेलकम टू जेसीपी अतारी। अपने सामने इंडिया बॉर्डर। गाइस ये देखो यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक जैसा कुछ तो भी है, इसके ऊपर BSF लिखा है, कृपया दूर रहे, दूरी है भाई। तो गाइस इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, सामने बॉर्डर है अपने। तो गाइस अंदर तो हम पहुंच चुके हैं, ये देखो काफी बढ़िया लग रहा है। गाइस यहाँ पे अपने गांधी जी की फोटो है, भारत इंडिया, और सामने ही पाकिस्तान के एरिया है वो देखो, मतलब काफी बढ़िया। और वो सब पाकिस्तान की पब्लिक है और ये सब इंडिया की है। ओ भाई साहब, बाप रे पसीना पसीना हो गए पूरा, मजा बहुत आ रहा है। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस पसीना हो गए कुछ भी हो, बहुत सब उधर है। हाँ घुसबम, सारे घुसबम। वो बहुत अलग ही फीलिंग है, अलग ही फीलिंग है। स्टेडियम परिसर में अगर किसी भी दर्शक का कोई भी सामान गुम हो जाता है या किसी भी दर्शक को, तो गाइस अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है
तो कृपया करके बीएसएफ के कार्मिकों को सूचित करें एवं स्टेडियम के बाहर बने। गाइज आज अगर कॉपीराइट आया तो भी चलेगा क्योंकि अलग ही वाइब है इधर। गाइज ये रस्सी बांध रहे क्यों बांध रहे वो पता नहीं, अभी काफी मजा आ रहा है। मेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा है, सीरियसली काफी मजा आ रहा है, ध्यान ही नहीं हट रहा है। गाइज पब्लिक देखो, पब्लिक कितनी है। गाइज वो वहाँ पे किसी काम के लिए लाइन की है, सिर्फ लेडीज की है वो लाइन, तो आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं गाइज वाइब। ओ बाप रे, गुजबम आ रहे, सीरियसली गुजबम। अरे बाप रे, उधर भी कितनी चिल्ला रही पब्लिक। ओ शांति है। ये इंडियन ऑफिसर जी है ना, सबको जोश दे रहे यहाँ पे। गाइज वहां की पब्लिक खामोश हो चुकी है, गाइज वहां की पब्लिक खामोश हो चुकी है, आप देख सकते हो, हाथ भी नहीं हिला रही। और यहाँ देखिए गला दुखने लगा तो भी चिल्लाएंगे अलग ही जोश से। और गाइस आप स्क्रीन में जो देख रहे हो वो यहाँ का लाइव चल रहा है। वाह भाई क्या दिख रहा है स्क्रीन में बॉस। कितने खामोश बैठी है वहां की पब्लिक पाकिस्तान के, आप देख सकते हो। बाप रे बाप। और यहाँ पे देखो जोश। बहुत अलग ही वाइब है, अलग ही फीलिंग है। मेरा गला खराब हो चुका है लेकिन एडजस्ट कर लेना थोड़ी देर के लिए। काफी मजा आ रहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही गाने के पीछे दोहराने का कष करें।
ऑफिसर जी, क्या मोटिवेशन दे रहे बॉस, वाह। ये बोल रहे उनकी आवाज ज्यादा है। अरे बाप रे, क्या दिख रहे गाइस, उनके भी वैसे ही खड़े सेम।
चिल्ला के